यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 दिन वाले कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी बोर्ड की तरफ से नया नोटिस जारी हो चुका है जिसमें बताया गया है आपको एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड के साथ क्या चीज ले जानी है, जो एग्जाम सेंटर पर गेट पर आपकी चेक की जाएगी, उसके बाद ही आपको क्लास में घुसने दिया जाएगा, आपकी सीट पर बैठने दिया जाएगा। अगर आप लोग केवल एडमिट कार्ड ले जाने की सोच रहे हैं तो आप लोग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, आपको घर वापस लौटना पड़ सकता है एग्जाम सेंटर से। तो वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे को दबा करके आल पर करिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो करिए, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लीजिए आप लोगों को एग्जाम सेंटर पर अपने एडमिट कार्ड के साथ में क्या चीज ले जानी है, जो आपकी एग्जाम सेंटर पर चेक की जाएगी। तो आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड ले जाना है, एडमिट कार्ड किसी भी हाल में नहीं भूलना है, और दूसरा चीज है आधार कार्ड। एडमिट कार्ड के साथ में आधार कार्ड भी आपका चेक किया जाएगा। कॉलेज में अब नया जो भी सेंटर बने हैं उनमें नया नियम लागू हो चुका है, आधार कार्ड और जो है आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाता है। पिछले साल से ही ये चालू है। अगर आप लोग आधार कार्ड भूल जाते हैं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। तो आप लोग आधार कार्ड, एडमिट कार्ड एग्जाम से एक दो दिन पहले ही लेकर के रख लीजिएगा, क्योंकि अब क्लास टीचर जो एग्जामिनर रहता है क्लास में भी आधार कार्ड चेक करता है। ये दो चीजें आपकी एग्जाम सेंटर पर गेट पर चेक होंगी, इसके बाद आपको अंदर जाने दिया जाएगा। बाकी आप लोग पिन वगैरह जो भी चाहते हैं वो ले जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए यूपी बोर्ड रिजल्ट 2024 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।